हे दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे 6 स्टेप सीक्रेट की जो कि आपको हेल्प करेगा इस दुनिया का सबसे रईस आदमी बनने में। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सब सपने देखते हैं एंड वी विश कि किसी तरह वो सच हो जाए, बट विश करने में एंड उसको रियली चाहने में डिफरेंस होता है। आइए कहानी के साथ इसको समझते हैं। ये कहानी एक सेलर, एक पायरेट की है, जो कि अपने पूरी आर्मी के साथ एक आइलैंड पे खजाने की तलाश में पहुंचते हैं, जिसके बाद इनको पता चलता है कि यहाँ ऑलरेडी एक आर्मी है जो कि इनकी आर्मी, इनकी फौज की 4 गुना ज़्यादा बड़ी है। तो अब इनके सामने 2 ऑप्शन है, या तो ये लड़ें या ये भाग जाएं। कुछ समय सोचने के बाद ये अपने 4 आदमियों को लेकर गए और अपनी सारी बोट जला दी। मालूम है क्यों? क्योंकि अब इनके लोगों के पास और इनके पास एक ही ऑप्शन है एंड वो है लड़ना। अब इनको लड़ना ही पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन बचा ही नहीं है। उस दिन के ठीक 3 महीने बाद वो अपने सेना के साथ जीत कर लौटते हैं अपने दुश्मन की नाव में। उन्होंने अपनी जीत को ऑलरेडी सच मान लिया था, वो मान चुके थे कि वो जीतेंगे ही। एंड जब इंसान के पास सिर्फ एक ऑप्शन होता है तो डिसीजन लेना उसके लिए बहुत आसान हो जाता है। तो किसी भी ड्रीम को पाने के लिए सबसे बड़ा स्टेप होता है उसको मान लेना एंड डेली फील करना, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। तो आइए जानते हैं वो 6 स्टेप्स विच विल हेल्प यू, जिससे आप अपने ड्रीम को फील कर सकते हैं और उसको रियल मान सकते हैं। स्टेप नंबर 1, फिक्स द अमाउंट यू डिज़ायर टू हैव। मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, सिर्फ ये बोलना काफ़ी नहीं होगा, स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि कितना अमाउंट चाहिए एग्जैक्टली। एक्चुअली इसका साइकोलॉजिकल रीज़न ये है कि यू कैन नॉट डिज़ायर और ड्रीम अबाउट समथिंग विच इज़ नॉट डेफिनेट। हर चीज़ की एक वैल्यू होती है, एक स्पेसिफिकेशन होता है एंड उसको उसी हिसाब से मेजर करना पड़ता है। स्टेप नंबर 2, डिसाइड योर सैक्रिफाइस नाउ। नथिंग कम्स विदाउट अ सैक्रिफाइस, बट डिसाइड वॉट आर यू रेडी टू गिव। आई होप आप सबने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर देखी होगी, जिसमें थेनोस को अपनी सबसे प्यारी चीज़ को सैक्रिफाइस करना पड़ता है सो दैट ही कैन गेट द सोल स्टोन। एवरी थिंग विच इज बिग रिक्वायर्स समथिंग बिग इन रिटर्न। नथिंग कम्स फॉर फ्री इन दिस वर्ल्ड। स्टेप नंबर 3, डिसाइड एंड मार्क द ईयर ऑन विच यू वॉन्ट टू अचीव दिस। This step will help you channelize your further steps and give them a destination. हर एक चीज़ की destiny, एक destination तय होना बहुत ज़रूरी होती है। स्टेप नंबर 4, create a plan. Plan is something which can either build you if done or will demolish you if not done. And put it in action no matter what, because there is no such thing as ready or not ready, it's just your mindset. And बहुत ही जल्द मैं एक वीडियो लॉन्च करूँगा जिसमें बताऊँगा कि आप अपने माइंड से दोस्ती कैसे कर सकते हैं एंड उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। मूविंग अहेड टू स्टेप नंबर 5, राइट द डिटेल्स ऑफ ऑल द 4 स्टेप्स। लिखो द अमाउंट जो डिसाइड किया था, द सैक्रिफाइस जो करने का सोच रहे हो, द डेट और द ईयर जो फिक्स करी हुई है एंड द प्लान जो सोच रहे हो। अमाउंट कुछ भी हो सकता है यार, उसको लोगों के लिए नहीं तुम्हारे लिए प्रैक्टिकल होना ज़रूरी है। इट कुड बी एनी थिंग, सैक्रिफाइस कुड बी एनी थिंग, डेट कुड बी एनी थिंग, 5 years later, 10 years later, 12 years, एनी थिंग अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी, योर कैलिबर। खुद रखो, किसी को नहीं बताना है एंड प्लान कैन स्टार्ट बाय सिंपल स्टेप्स। Take simple steps by waking up early, meditating, reading books, exercising, anything जो तुम्हें लगता है वो वैसे चालू करो। Moving ahead to the most important step, जिसके बिना ये 5वां step किसी भी काम के नहीं होंगे। Step number 6, जो लिखा है उसे daily सुबह उठकर पढ़ो, और ऐसे पढ़ो जैसे कि आप उसको देख सकते हो, फील कर सकते हो एंड बिलीव करो कि आप ऑलरेडी उस पोजीशन में हो। आई नो कि ये थोड़ा सा मुश्किल है खुद को ऐसा फील कराना, बट दिस इज व्हाट ट्रू डिज़ायर इज। वो सुना है ना कि किसी चीज़ को अगर शिद्दत से पाने की कोशिश करो तो पूरी कायनात उसको तुमसे मिलाने में जुट जाती है। यहाँ कायनात इज़ यूनिवर्स एंड उससे जो मांगोगे
वो मिलेगा तुम्हें। जाते जाते आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा कि इस कोविड ने हमारे देश में एजुकेशन का एक नया एरा खड़ा कर दिया है। अब एक MBA ग्रेजुएट भी घर पे बैठा हुआ है। यू नो व्हाई? बिकॉज ही इज लैकिंग एडुकेट स्किल्स। इस पैंडेमिक ने हम सबके लिए एक लेवल सेट कर दिया है, एंड अब डिग्री से ज्यादा स्किल की जरूरत है। एंड हमारी टीम ने, स्किल बस की टीम ने, बड़ी मेहनत से आप सबके लिए स्किल बेस्ड कोर्सेज तैयार करे हैं, जहाँ पे आप बिजनेस कम्युनिकेशन से लेके मशीन लर्निंग तक प्रैक्टिकली घर बैठे बैठे सीख सकते हैं। इट जस्ट 1,000 रुपीज़। द कोर्सेज स्टार्ट इन जस्ट 1,000 रुपीज़, विच इंक्लूड्स लाइव प्रोजेक्ट्स एंड एग्जाम्स, जिसके बिना आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। वेल, आई होप गाइज आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, एंड स्किल बस चैनल पे जाने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। वेल, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू।